हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं अवेंजर्स वर्सेस हमारे इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। बट यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं यहां पर लूंगा हमारे उन इंडियन सुपर हीरोज को जो कि हमें टीवी शोज में देखने को मिले हैं, ना कि किसी मूवी में या फिर किसी कॉमिक्स में। यस, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं इंडियन सुपर हीरोज को कंसिडर करूँगा जो कि अभी तक हमें टीवी शोज में देखने को मिले हैं। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक तो ज़रूर ही बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन आई बी योर सुपर हीरो? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सो नाउ अब शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है आयरन मैन वर्सेस जूनियर जी एंड यारो का टेंशन के बीच में। वैसे जो यारो का टेंशन है, ये इस शो का नाम था, इस जो सुपर हीरो है इसमें उसका नाम यारो है। एंड मैंने यहाँ पर आयरन मैन को इन दोनों के साथ इसलिए बढ़ाया क्योंकि अब देखो, ये जो दोनों ही सुपर हीरोज हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और जो यारो है वो तो पूरा का पूरा एक रोबोट है, एक एआई है। पर अब देखो, जो ये दोनों जूनियर जी एंड यारो का टेंशन या फिर यारो है, ये दोनों मिलकर आयरन मैन को नहीं बीट कर सकते। जाहिर सी बात है यार, क्योंकि अब देखो, जो यारो है वो उतना भी ज़्यादा पावरफुल रोबोट नहीं है कि वो आयरन मैन को टक्कर दे सके। आयरन मैन उसको कुछ ही टाइम में आराम से निपटा देगा। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ जूनियर जी की, तो भाई देखो, जूनियर जी चाहे कितना पावरफुल हो पर वो एक बच्चा है, एंड उसके गैजेट कितने ज़्यादा हाईटेक हो, बट यार आयरन मैन के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आयरन मैन ही जीतेगा, जाहिर सी बात है, एंड मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होगी। बैटल नंबर टू, थॉर वर्सेस हीरो, भक्ति ही शक्ति है वाला हीरो, गाय मॉड ओन वाला हीरो नहीं भाई। तो यार देखो, जो ये वाला हीरो है, भक्ति ही शक्ति है, इसको इसकी पावर्स मिलती है एक रिंग से। एंड बेसिकली जो ये हीरो है उसकी स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो भाई स्पीड इसकी अच्छी खासी है, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ठीक ठाक ही है, एंड स्ट्रेंथ के मामले में भी ये थोड़ा या फिर काफ़ी ज़्यादा वेट को आसानी से लिफ्ट कर सकता है। बट यार देखो, जो इसका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ये मात खा जाता है क्योंकि यार एक्सपीरियंस के मामले में ये कई गुना ज़्यादा पीछे है थॉर से। पहली बात, ये एक छोटा सा बच्चा है, एंड दूसरी बात, थॉर इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 1500 साल का है भाई, उसके पास तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है। उसकी स्ट्रेंथ यानी कि थॉर की स्ट्रेंथ हीरो के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी कई गुना ज़्यादा है, एंड ड्यूरेबिलिटी थॉर की हीरो के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। सो अगर इस वीडियो को लंबा ना खींचना हो, इस बैटल को लंबा ना खींचना हो, तो भाई देखो, जो हीरो है वो कुछ हद तक या फिर कुछ टाइम तक फाइट कर लेगा थॉर के साथ में, बट यार एट द एंड थॉर उसको भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बीट कर देगा। बैटल नंबर थ्री, या फिर जो अपने बैटल नंबर नेक्स्ट है, वो होने जा रही है कैप्टन अमेरिका वर्सेस कर्मा के बीच में। तो यार देखो, मैंने यहाँ पर कर्मा को इसलिए लिया क्योंकि यार जो कैप्टन अमेरिका एंड कर्मा है, इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज है, लाइक ये दोनों ह्यूमन बींग्स हैं दोनों ही, एंड साथ ही में ये दोनों अपनी फाइटिंग स्किल्स के दम पर कई सारे विलन्स को धूल चटा चुके हैं। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूँ इन दोनों की एक्सपीरियंस की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। बट जो कैप्टन अमेरिका है, उनका एक्सपीरियंस कर्मा के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यार पहली बात, जो कैप्टन अमेरिका है वो 100 साल के हैं, साथ ही में उनके पास वॉर का भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हालांकि जो कर्मा है उसे वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उससे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि यार उसने भी कुछ हद तक फाइट्स की है। एंड यार देखो, यहाँ पर इस बैटल में कैप्टन अमेरिका बाजी मार जाएंगे क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास ये सारी एबिलिटीज तो है ही जो कर्मा के पास है, बट यार कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिसकी वजह से हम सभी को पता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है वो एक अनदर लेवल तक पहुँच गई थी, यानी कि अपने फुल फॉर्म तक पहुंच गई थी। तो इसी वजह से जो कैप्टन अमेरिका है, उनकी ह्यूमन बॉडी या फिर उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस कर्मा के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आगे है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है वही जीतेंगे एंड विजेता कहलाएंगे। बैटल नंबर फोर, हल्क वर्सेस बालविक। तो यार देखो, जो ये वाली बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कॉन्ट्रोवर्शियल बैटल होगी क्योंकि यार देखो, हल्क को कौन नहीं जानता, एंड बालविक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बट यार अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रोफेसर हल्क की, तो यार देखो, जो प्रोफेसर हल्क है, अगर वो अपने इंटेलिजेंस के साथ अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करे लाइक पुराने हल्क की तरह, तो मे बी वो बीट कर पाएगा बालविक को। बट यार देखो, मुझे नहीं लगता जो प्रोफेसर हल्क है वो बालविक के सामने उतना टिक पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बालविक उन्हें निपटा ही देगा,
अगर वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ भी करते हैं इंटेलिजेंस के साथ तो यहाँ पर चांसेस बराबरी तक आ जाते हैं बैटल के, बट ये आप पर छोड़ता हूँ मैं। पर मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि जो प्रोफेसर हल्क है वो उतनी ज़्यादा अच्छी खासी टक्कर दे पाएंगे बार्वेल को जितना कि नॉर्मल हल्क दे पाते या फिर पुराने वाला हल्क। तो अगर मैं यहाँ पर पुराने वाले हल्क को कंसिडर करूँ तो भाई यहाँ पर टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि बार्वेल भी कुछ कम नहीं है भाई, उसके पास भी कई सारी परियों की कई सारी मैजिकल पावर्स है। लाइक वो लिटरली में हल्क का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, जैसे कि हमने देखा था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि वांडा ने किस तरह से हल्क का माइंड कंट्रोल करके उससे अपने काम करवाए थे। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ड्रॉप पे आ जाती है भाई, मतलब मेरे हिसाब से ये बेटर टाई है, बट आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर ही बताना इसके बारे में भाई, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जब कोई टीम बैटल वीडियो बनाता हूँ तो उसमें एक बैटल ऐसे रखता हूँ जिसका आंसर आप सभी लोग दे पाए कमेंट बॉक्स में। तो ये वही वाली बैटल है, यस आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। फिलहाल इसको ड्रॉ करते हैं, इस बैटल को टाई करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट बैटल की ओर, जो कि होने जा रही है बैटल नंबर 5, एंड ये होने वाली है ब्लैक विडो एंड हॉकआई वर्सेस हीरो गायमोड ऑन बीच में। जी हाँ, ये हमारी लास्ट बैटल है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यार देखो, जो ब्लैक विडो एंड हॉकआई है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पर, तो यहाँ पर जो ब्लैक विडो एंड हॉकआई है वो हीरो गायमोड ऑन के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा आगे है, क्योंकि यार जो ब्लैक विडो एंड हॉकआई है उनको ऐसा समझते हैं आप सभी में से कुछ लोग कि भाई ये एवेंजर्स के उतने भी ज़्यादा अच्छे मेंबर्स नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स नहीं है। बट देखो यार, जो ब्लैक विडो वो ट्रेंड असैसिन है एंड हॉकआई का निशाना तो आप सभी को पता है अचूक है, और जब ये दोनों साथ मिलकर एक टीम बन जाते हैं तो भाई अपने बड़े से बड़े टफ ओपोनेंट को भी बीट कर देते हैं अपने फाइटिंग स्किल्स एंड अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि यार ये दोनों ही एक असैसिन लेवल के सुपर हीरोज़ हैं। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हीरो गायब मोड ऑन की, तो देख लो यार जो हीरो है गायब मोड ऑन वाला, देखो उसके पास पावर तो कहीं ज़्यादा है बट यार उसके पास एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, प्लस वो अभी अपने टीन एज से या फिर बाहर आया या अभी भी टीन एज में ही है, यानी कि एक तरह से हम कह लें वो एक बच्चा ही है इनके सामने। सो अगर मैं सीधा कंक्लूजन पे आऊँ इस बैटल की, तो यार देखो अगर ये बैटल होती है फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर तो यहाँ पर मैं पॉइंट देना चाहूँगा ब्लैक विडो एंड हॉकआई को, बट अगर ये बैटल होती है पावर लेवल के बेसिस पर तो यहाँ पर हीरो गायब मोड ऑन बाजी मार जाएगा। यस अब आया ना हीरो गायब मोड ऑन वाला। बट यार देखो, अगर किसी भी बैटल को जीतना हो तो यार सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसमें फाइटिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड प्लानिंग। तो यार इन सभी के बेसिस पर अगर मैं देखूँ फाइटिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, तो यार देखो यहाँ पर जो ब्लैक विडो एंड हॉकआई है उनके पास प्लस पॉइंट है, वो हीरो गायब मोड ऑन को अपनी स्किल्स के थ्रू आसानी से बीट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पॉइंट देना चाहूँगा ब्लैक विडो एंड हॉकआई को, बट अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है, आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि हीरो गायब मोड ऑन जीत सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये जीतेगा एंड एक लॉजिकल रीज़न बताओ साथ में कि भाई ये जीतेगा हीरो गायब मोड ऑन क्यों जीतेगा, इसलिए जीतेगा कि जो आपका रीज़न होगा वो आप लिख देना बिना किसी स्कोर बोर्ड के, विदाउट एनी स्कोर बोर्ड। मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पर क्लियरली हमें पता लग चुका है कि जो अपने इंडियन सुपर हीरोज है टीवी शोज़ वाले वो हार चुके हैं अवेंजर्स टीम से, एंड यहाँ पर जो विनर है वो है अपनी अवेंजर टीम। तो बस यार आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, नया के चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, एंड अगर आपको वीडियो बुरी लगी हो या फिर आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आया हो तो यार देखो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो इस बात का पूरा मत मानना, आपको ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता देना, एंड वीडियो को डिसलाइक करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा मेरी ही रीच बजेगी, तो कमेंट बॉक्स में जाओ कुछ लॉजिकल रीज़न बताओ अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो मैंने बोल दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट कर देना सब कुछ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय।